वेलकम टॉटल शिफ्ट। ये है KTM की RC390 2022 मॉडल नेक्स्ट जनरेशन। अब न्यू जनरेशन आया है तो इसमें कुछ चेंजेस भी करे गए हैं, बहुत सारी चीजें ऐड भी करी गई है। तो पुरानी वाली से क्या क्या चीजें हटाई गई हैं और क्या नई चीजें इसमें एडवांसमेंट करी गई है और क्या इसका प्राइस रखा गया है, तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट फैशर से। फ्रंट फैशर में अगर चेंजेस की मैं बात करूँ तो विंडस्क्रीन को थोड़ा बड़ा करा गया है, एंगुलर इसे शेप दिया गया है ट्रायंगल टाइप, और इसमें इंटीग्रेटेड ही आपको यहाँ पे LED इंडिकेटर लाइट्स देखने को मिलती है, जो कि पहले नहीं देखने को मिलती। पहले आपको रियर व्यू मिरर्स में देखने को मिलती थी, मैं इंडिकेटर्स आपको एक वजह लग दे हम कुछ इस तरीके के आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, जो कि अगर मैं फ्रंट से दिखाऊँ आपको तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इस तरफ की बात करूँ तो आपको DRL मिल जाता है और ये आपका हेडलैम्प मिल जाता है। इसी में आपको जो है वो बीम्स देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं विंडस्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे डॉट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पूरी फेयरिंग जो है वो न्यू जनरेशन RC390 की पूरी चेंज कर दी गई है, पूरा फ्रेम जो है वो थोड़ा सा रीट्यून करा गया है। सब फ्रेम की मैं बात करूँ तो सब फ्रेम आपको अब यहाँ पे बोल्टेड देखने को मिलता है, जो कि पहले नहीं देखने को मिलता था, सिंगल देखने को मिलता था, जिससे थोड़ा सा जो वेट है वो भी थोड़ा सा इसमें कम हुआ है। अब अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो 17 के ही टायर मिलते हैं। अब पीछे की तरफ 150 का सेक्शन देखने को मिल जाता है। डिस्क ब्रेक जो है आगे पीछे दोनों में चेंज करी गई है, आप देख ही सकते हो। इससे डिस्क ब्रेक का इंटीरियर पार्ट थोड़ा सा निकाल दिया गया है, जिससे क्या हो रहा है कि आपका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है। इसकी बात करूँ तो 320 mm की डिस्क ब्रेक, पीछे आपको 230 mm की डिस्क ब्रेक जो देखने को मिल जाती है। 5 spoke के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, ये भी चेंज करे गए हैं, ब्लैक कलर को अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे Apex के WP के आपको USD फ्रंट फोक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे एक हॉलो पार्ट भी देखने को मिलता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा वेट जो है वो इससे भी रिड्यूस हो रहा है। पहले आपको ये पूरा छोटा पार्ट मिलता था सर्कुलर, लेकिन वो फील्ड मिलता था, जिससे थोड़ा सा वेट जो है वो बढ़ रहा था, तो यहाँ से भी जो है वो वेट कम करा गया है। प्लास्टिक का पार्ट जो है ये यहाँ पे दिया गया है, फेयरिंग पूरी प्लास्टिक में है। यहाँ पे आपको मेटल पार्ट जो है वो सिर्फ फ्यूल टैंक पे ही देखने को मिलता है। 13.7 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि पहले 9.5 लीटर था। ये वाला पार्ट जो है ये भी प्लास्टिक में है। स्प्लिट आपको सीट देखने को मिलती है, यहाँ से आप सीट को ओपन भी कर सकते हैं। सीट की अगर मैं बात करूँ तो सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल अब ड्राइवर के लिए और पिलियन दोनों के लिए सीट जो है वो कंफर्टेबल कर दी गई है, पहले इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल थी नहीं। अब आ जाते हैं इसके क्लस्टर पे। इसमें आपको TFT क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी अब इसमें जो है वो ऐड कर दी गई है, जिसके कंट्रोल कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप अगर इसे क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएगी। सेटिंग्स वगैरह में जाके आप बहुत सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं बस, इसमें आपको ब्लूटूथ ऐड कर दी गई है। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो ट्रैक्शन कंट्रोल और बाय डायरेक्शनल आपको क्विक शिफ्टर मिल जाता है, लीन ऑन आपको ABS, कॉर्नरिंग ABS देखने को मिल जाता है, डुअल चैनल ABS आपको आगे पीछे दोनों मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं इसके हैंडल बार्स की बात करूँ तो एडजस्टेबल ही आपको हैंडल बार्स मिल जाते हैं, हालांकि आपको जो USD फ्रंट फोक्स है एडजस्टेबल नहीं मिलते, जो कि आपको ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलते हैं RC390 में। इसको बंद कर देते हैं। आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं यहाँ ब्रेक के लिए, और सेम चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है क्लच के लिए भी। या आपको कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं हैंडल बार पे, हैंडल बार की जो पोजीशनिंग है वो 10 mm थोड़ी सी ऊपर करी गई है, ताकि थोड़ी सी मैच्योर आपको राइडिंग देखने को मिले, क्योंकि जो कि पहले आपको चीज़ें देखने को मिलती थी वो आपको रेजा और शार्प आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता था, जो कि यंग लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा था, और उसकी बट उसकी राइडिंग पोजिशन थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हो रही थी, बैक पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो लोगों को हो रही थी। इधर की बात करूँ तो फेयरिंग के अंदर ही आपको एक फ़ैन यहाँ पे प्रोवाइड करा गया, एक फ़ैन वहाँ पे प्रोवाइड करा गया, ताकि जो हीट रिडक्शन है वो अच्छे से हो पाए, जो कि हीट की भी पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इंजन की बात करूँ तो सेम आपको इंजन मिलता है, बट मैपिंग आपको अलग करी गई है। इसमें जो एयर बॉक्स का यूज़ करा गया है वो थोड़ा सा 40% बढ़ा गया है, ताकि इसमें जो है वो पावर अच्छी हो, रिफाइनमेंट अच्छी हो, राइड क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे बोल्ट ऑन आपको सबफ्रेम मिल जाता है, ये वाला पार्ट आपको अलग मिलेगा, ये वाला पार्ट आपको अलग मिलेगा। इंजन 373 cc का सिंगल सिलेंडर DOHC सेटअप के साथ इंजन मिलता है, 43.5 PS की पावर मिल जाती है, और 37 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है, जो कि पहले 36 था। एयरबॉक्स की वजह से 1 Nm का टॉर्क जो है वो इंक्रीज
इंक्रीज इसमें हुआ है। 6 feet का आपको इसमें गेयरबॉक्स सेम आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। क्विक शिफ्टर आपको इसमें मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जिन लोगों को क्विक शिफ्टर के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूँ क्विक शिफ्टर का सिंपली वर्क क्या रहता है, कि जब आप 40 या 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे जाते हैं तो आपको बार बार क्लच प्रेस करके गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली अपने पैर से भी गियर को चेंज कर सकते हैं, क्लच दबाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद ही आप अचीव कर सकते हैं। अगर उससे 30-40 की स्पीड पर आप करने की ट्राई करेंगे तो वो इतना ज़्यादा स्मूथ जो है और कम्फर्टेबल आपके लिए नहीं रहेगा। ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि अगर आप 5.5 या 5.5 कोई पिलियन जो है वो है, तो वो अगर ऊपर बैठना जाएगा तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम होगी चढ़ने में, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा और ऊपर कर दिया गया सब फ्रेम को बोल्टेड करने के बाद। तो अगर आप नॉर्मली भी बात करोगे 6 feet के आदमी की तो वो आराम से बैठ पाएगा, बट अगर 5.5 की बात करोगे तो थोड़ा सा उसे अनकंफर्टेबल होने वाला है चढ़ने के लिए। बाकी बैठने के लिए तो पिलियन के लिए थोड़ा सा बेटर कराया गया है, अगर मैं पिछली जनरेशन की RC390 से बात करूँ तो। राइडर की जो पोजिशनिंग है वो अच्छी करी गई है, थोड़ी सी इम्प्रूव करी गई, थोड़ा सा अपराइट जो है वो राइडर आप बैठ सकता है। तो डेली कम्यूट के लिए आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपको पर्टिकुलर स्पोर्ट्स बाइक है, सही छोटे से प्राइस टैग में। प्राइस की मैं बात करूँ तो 3,16,000 एक्स शोरूम प्राइस इसका अभी करंटली है। मई में लॉन्च की हुई थी तो 3,13,000 था, तो 3,000 रुपये 3 महीने में इसमें इंक्रीमेंट जो है वो हो चुका है। कलर्स भी बहुत सारे हैं इसमें, एक तो फैक्ट्री ब्लू देखने को मिल जाता है, रखिए फैक्ट्री ऑरेंज आपको कलर देखने को मिल जाता है। एक चीज़ और है, तो जो ये आपको क्रोम में एम्बलम देखने को मिलता है KTM का, ये पहले नहीं मिलता था, अब जो है वो इसमें ऐड करा गया है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एग्जॉस्ट में भी चेंज करा गया है, छोटा सा एग्जॉस्ट रखा गया है मफलर के ऊपर, थोड़े से यहाँ पे पैटर्न दिया गया है जो कि अच्छा लगता है। पीछे हो गया मडगार्ड। यहाँ की मैं बात करूँ तो 230 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जिसमें सिंगल पिस्टन कैलिपर आपको देखने को मिल जाता है। 17 का टायर है, 150 का सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक चीज़ और जो इसमें बढ़िया करी गई है, ये वाला जो पार्ट है ये अब जो है ये अंदर की तरफ फोल्ड हो सकता है, तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा लीन ऑन करोगे तो ये भी फोल्ड हो जाएगा। नीचे कोई भी मेटल का मटेरियल नहीं दिया गया, तो वो थोड़ी एक प्रॉब्लम हो सकती है, बट पहले क्या होता था एक्सीडेंट वगैरह होते थे तो ये चीज़ टूट जाती थी, तो आप बाइक को चला के घर नहीं ले जा सकते थे, तो वो चीज़ अब हट गई है। अब क्या होगा, अगर आप एक्सीडेंट होता भी है, कोई प्रॉब्लम भी होती है, तो ये चीज़ अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। थोड़ी टाइट है बट ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, तो आप अगर गिरते भी हो तो ये पार्ट नहीं टूटेगा जल्दी से। और क्या चीज़ बच जाती है इसमें, एक बार देख लेते हैं। वैसे हाँ, एक चीज़ इसमें जो है, इसमें आपको जो रेयर मोनोशॉक सस्पेंशन है वो आपको प्रीलोड एडजस्टेबल मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ऊपर नीचे आप एडजस्ट इसे आराम से कर सकते हो, तो ओवरऑल देखने में बाइक काफ़ी अच्छी है, राइड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, पावर और रिफाइनमेंट इस सेगमेंट में इस इंजन से बेहतर कोई बाइक अभी प्रोवाइड नहीं करती। डायरेक्ट ट्रैवल करती है TVS Apache RR 310 के साथ, जिसमें आपको आप खुद उसे डिज़ाइन कर सकते हो, जो कि इसमें KTM में आपको प्रोवाइड नहीं करा गया। उसमें आप चीज़ों को खुद लगवा सकते हो, निकलवा सकते हो, खुद ही आप ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन, बट KTM में वो चीज़ नहीं मिलती, जो थोड़ा सा एक लैग करती है। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छी बाइक है, डेली कम्यूट के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, बट सुपर स्पोर्ट्स बाइक है तो आप उसे राइड के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ब्रेकिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, और कॉर्नरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। हाँ, एक चीज़ इसमें मिस हो गई है, इसमें आपको सुपर मोटो ABS जो है वो देखने को मिल जाता है, तो वो चीज़ थी। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाता है इसमें। तो फीचर्स के बारे में, फीचर लोडेड आपको मिलेगी, डिज़ाइन वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है KTM RC390 न्यू जनरेशन में। तो कैसी लगी आपको ये बाइक हमें कमेंट्स में बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और रिव्यूज़ के लिए। नमस्कार।